ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि कितना भी आप पढ़ लीजिए, अगर आप एक्सरसाइज नहीं बनाइएगा तो आपको पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग देखते हैं। लेट अस प्ले टुगेदर। तो इसका देखिए, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये लेट से शुरू हुआ है, लेट भी वन है, तो भी वन है तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इंपेरेटिव में शैल या विल मानते हैं, अस लगा हुआ है, यहां पर हो जाएगा शैल और अस का हो जाएगा वी, और क्वेश्चन मार्क्स तो फिक्स है। अगला रहेगा लेट मी गो देयर, तो आई है, मी का होता है आई, इंपेरेटिव में है तो आई और वी के साथ शैल लगता है, तो इसलिए यहां पर हो जाएगा शैल आई। अगर रहेगा लेट हिम हर देम द बॉयज, कुछ भी रहेगा तो आप ये बात समझ लीजिए कि समानता आई वी के साथ शैल लगता है, बाकी सब प्रोनाउन और नाउन्स के साथ विल लगता है, तो यहां इन सब के साथ लगेगा विल, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट हम मानेंगे यू को, किसको मानेंगे, यू को। अगला एग्जाम्पल है, ही हैड नो फ्रेंड्स, नो वन हैज सीन गॉड, neither of them had sense, he seldom comes to me, nothing went wrong, few people would agree to his proposal। चलिए इसको हम लोग पहले देखते हैं जो कैसे बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन टैग मैंने बता दिया है आप लोगों को। अब देखिए, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये जो पहला स्टेटमेंट है, ही हैड नो फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहां नेगेटिव वर्ड लगा हुआ है, इससे क्लियर हो गया कि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें ऑक्सिलियरी वर्ब है, क्योंकि क्वेश्चन टैग में सबसे पहले ऑक्सिलियरी वर्ब सेट करना पड़ता है। तो ऑक्सिलियरी वर्ब कहां है, हैड। देखिए यहां कॉमा के बाद लग गया हैड, नेगेटिव वर्ड ऑलरेडी लगा हुआ है तो इसमें नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं लगेगा। अब प्रोनाउन है ही, तो सीधे आ जाएगा यहां पर,
हो जाएगा ही हैड नो फ्रेंड्स हैड ही। अगला देखिए नो वन हैज सीन गॉड। अब देखिए कि क्या ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहां नो वन लगा हुआ है इसका मतलब स्टेटमेंट नेगेटिव है। तो ऑक्सिलियरी वर्ब चेक करेंगे कहां है, हैज, उसके बाद नो वन है। तो बताया गया था आप लोगों को कि यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट एवरीबॉडी समबॉडी एनीबॉडी नोबॉडी एवरीवन समवन एनीवन नो वन हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे को माना जाता है। तो यहां पर हो जाएगा दे। अब देखिए दे का मतलब होता है वे लोग, प्लुरल हो गया। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट सिंगुलर में रहेगा तो क्वेश्चन टैग का वर्ब सिंगुलर होगा, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट प्लुरल में रहेगा तो क्वेश्चन टैग का वर्ब प्लुरल होगा। यहां देखिए हैज है, बताए थे कि जिस वर्ब के अंत में समानता एस या ईएस लगा रहता है वो सिंगुलर होता है, लेकिन दे तो प्लुरल है तो हैज का प्लुरल क्या हो जाएगा, हैव। अब देखिए नाइदर ऑफ देम हैज सेंस। क्या ये जो स्टेटमेंट है क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहां नाइदर लगा हुआ है, नाइदर ऑफ इसका मतलब नेगेटिव है क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है। ऑफ के बाद देम लगा हुआ है, इसमें हैज है तो ऑक्सिलियरी वर्ब आ गया हैज, और इसके बाद देम लगा हुआ है तो बताए थे कि देम का क्या हो जाता है, दे, तो यहां हो गया दे। लेकिन दे तो यहां प्लुरल हो गया ना, तो फिर ये गलत हो गया। तो इसका प्लुरल क्या होगा, हैव। अब इसमें देखिए ही सेल्डम कम्स टू मी। क्या ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये नेगेटिव है क्योंकि सेल्डम यहां है, सेल्डम कभी कतार यानी नहीं के बराबर, तो सेल्डम ये नेगेटिव वर्ड है तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। अब इसमें ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं है, क्या लगा हुआ है, कम्स। मैंने बताया था कि जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस लगा हो वो V5 होता है और सिंगुलर होता है तो उसमें क्वेश्चन टैग का वर्ब डस को माना जाता है। तो मान लेते हैं डस, नेगेटिव वर्ड तो ऑलरेडी लगा हुआ है तो नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं लगेगा। अब सब्जेक्ट है ही तो यहां पर आ जाएगा ही। सॉरी, नथिंग वेंट रॉन्ग, ये नेगेटिव वर्ड लगा हुआ है, क्लियर हो गया कि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। और वेंट गो का V2 होता है, V2 यानी दूसरा वर्ब का दूसरा फॉर्म होता है, यानी गो का दूसरा फॉर्म होता है वेंट, तो V2 हो गया। तो क्वेश्चन टैग का वर्ब मैंने कहा था पिछले लेक्चर में कि V2 रहता है स्टेटमेंट में तो उसका उसके लिए क्वेश्चन टैग का ऑक्सिलियरी वर्ब डिड आता है तो इसमें आ जाएगा डिड। इसमें नेगेटिव एन एपोस्ट्रॉफी टी नहीं लगेगा क्योंकि नेगेटिव वर्ड लगा हुआ है। और ये भी बताए थे पिछले क्लास में कि यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट एवरीथिंग समथिंग एनीथिंग नथिंग हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट को माना जाता है, IT इट हो गया। फ्यू पीपल वुड एग्री टू हिज प्रपोजल। अब बताइए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहां सिर्फ फ्यू लगा हुआ है, सिर्फ फ्यू, अगर एक फ्यू रहता तो पॉजिटिव हो जाता लेकिन फ्यू है, मैंने बताया था कि फ्यू नेगेटिव वर्ड है। यहां पर ऑक्सिलियरी वर्ब है वुड तो पहले हम लोग वुड को सेट कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। नेगेटिव वर्ड लगा हुआ है तो नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं लगेगा। यहां सब्जेक्ट है स्टेटमेंट का पीपल, पीपल का मतलब जानवर तो नहीं होता है ना, लोग होता है, लोग बहुत सारे लोग होता है तो प्लुरल आ गया। तो प्लुरल मैंने बताया था कि नाउन यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट नाउन स्टेटमेंट का सब्जेक्ट होगा और वो प्लुरल में रहेगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे को माना जाएगा, दे। क्लियर हो गया।
देखिए, वन कैन बीट हिम, तो वन कैन बीट हिम, तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कहां है? कैन। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है क्योंकि नेगेटिव वर्ड इसमें कहीं नहीं लगा हुआ है, तो इसमें कुछ ट्रॉफी टी लगेगा और सब्जेक्ट वन है तो वन का वन ए होता है। एनी वन विल डू दिस, तो विल का क्या हो जाएगा? विल, नेगेटिव वर्ड नहीं लगा हुआ है तो एंटी लग जाएगा और सब्जेक्ट अगर एनी वन रहता है तो यहां पर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट मैंने बताया था कि दे हो जाता दे, लेकिन विलंट नहीं होता है। विल में जब एन एपोस्ट्रोफी टी लगता है तब ओंट बन जाता है, ओंट, तो यहां पर हो जाएगा ओंट। नो साल्ट इज अलाउड, इज यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब है, नेगेटिव वर्ड ऑलरेडी लगा हुआ है तो साल्ट तो अनकंटेबल नाउन है, गिन तो सकते नहीं तो हमेशा सिंगुलर होगा, इसके लिए आएगा इट, ना तो ये लड़का है ना लड़की है। दिस इज ब्यूटीफुल, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है इज और इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं लगा हुआ है जो आप लोगों को बताया गया था, तो एन एपोस्ट्रोफी टी लगेगा और दिस रहता है या दैट रहता है तो इसके लिए इट आता है, इजंट इट। देयर इज नो पर्सन टू गो, तो नो लग गया इसका मतलब नेगेटिव हो गया, यहाँ इज पहले से है तो इज हो गया, शुरू में देयर है तो यहाँ पर देयर आ जाएगा, ये मैंने बताया था कि डमी सब्जेक्ट के रूप में देयर आता है तो देयर ही क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होता है। ऑल ऑफ अस कैन डिफीट हिम, तो कैन ऑलरेडी लगा हुआ है, इसमें कहीं नेगेटिव वर्ड नहीं है तो कैंट हो जाएगा। अस, ऑल ऑफ के बाद अस आया तो अस का मैंने बताया था क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वी होता है तो कैंट वी हो गया। आई डिड, वी टू है और डिड, तो डिड आ गया, इसमें कहीं नेगेटिव वर्ड नहीं लगा हुआ है तो एन एपोस्ट्रोफी टी हो गया और आई सब्जेक्ट है आई हो गया। अब ये मैंने बताया था थोड़ा देर पहले, लेट अस तो सैल हो जाएगा और अस का हो जाएगा वी, लेट हिम गो आउट हिम आ गया तो बाकी सब के लिए विल आता है लेकिन इसके लिए सब्जेक्ट हो जाएगा यू, खाली लेट के बाद अस रहेगा तो वी हो जाएगा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट, लेट के साथ मी रहेगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट आई हो जाएगा, लेकिन इनके अलावा लेट के बाद कोई भी मतलब प्रोनाउन या नाउन रहेगा तो यू ही मानेंगे क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट, यू ही होगा। चलिए आगे देखते हैं, you
अब देखिए, प्लीज राइट अ बुक। राइट राइट मतलब लिखना होता है, प्लीज मतलब कृपया। तो राइट भिवंस यानी भिवंस शुरू है, अब प्लीज लग गया तो रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, तो इंपेरेटिव हो गया। तो इंपेरेटिव में किसको मानते हैं? विल को। और सब्जेक्ट किसको मानते हैं? यू को। कंडीशन रहता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस यदि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव में है, तो विल यू लगाइए या वोंट यू लगाइए, दोनों करेक्ट होता है। लेकिन यदि इंपेरेटिव सेंटेंस, पिछले क्लास में बताए भी थे कि यदि इंपेरेटिव सेंटेंस डोंट या नेवर से शुरू हो, तब क्वेश्चन टैग में विल के साथ एन एपोस्ट्रॉफी टी नहीं लगेगा। जैसे देखिए, यहाँ डोंट से शुरू है तो बी भीवन हो गया, तो क्या हो जाएगा? विल। और सब्जेक्ट तो क्वेश्चन टैग में फिक्स है कि यू होगा। शट द डोर, शट मतलब बंद करना, भीवन से शुरू है, इसका मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। तो विल यू क्या हो जाएगा? विल यू या वोंट यू, दोनों सही हो जाएगा। ही डेयर नॉट, डेयर के साथ मैंने बताया था भीवन रहेगा, तो क्वेश्चन टैग का वर्ब डेयर हो जाएगा, नॉट लगा ही हुआ है, सब्जेक्ट ही है, तो डेयर ही हो जाएगा। ही डेयर्स, यहाँ डेयर्स के साथ तुरंत भीवन नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब एस लगा हुआ V5 हो गया, तो V5 में किसको मानते हैं? डस को बोले थे, नेगेटिव वर्ड कहीं नहीं लगा हुआ है, तो एन एपोस्ट्रॉफी टी लगेगा, सब्जेक्ट ही है, तो ही हो गया। अगला देखिए, नीड के साथ नॉट लगा हुआ है, उसके बाद भीवन है, तो नॉट तो लगा ही हुआ है, तो नीड आ जाएगा यहाँ क्वेश्चन टैग में। नीड नॉट लगा हुआ है तो एन का एपोस्ट्रॉफी टी नहीं लगेगा, नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं लगेगा, सब्जेक्ट आई है तो आई लग जाएगा, आई लग गया, क्लियर हो गया। तो मुझे लगता है कि आप लोग जरूर इस वीडियो को गौर से देखेंगे, और द वर्क बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो किताब आती है आलोक भारती पब्लिकेशन से, उसे जरूर आप लोग बनाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।